निश्चित तौर पर हमें सारे संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है। इस संवैधानिक संस्थाओं को बनाने में और इसको संभालने में कांग्रेस का बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसके ये जो देश का लोकतंत्र है, जो देश का संविधान है, आज ही मैंने अपने सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी पोस्ट लिखा है तिलक भाई कि निश्चित तौर पे आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। जिस तरीके से चाहे वो अमित मालवीय हो, चाहे अमित शाह हो, और चाहे और कोई अमित भारतीय जनता पार्टी कोई हो, जिस तरीके से कारनामे कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही इससे इतना एक अमानवीय तरीके से है, इतने गलत तरीके से काम कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह जी, लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तिलक भाई शक होता है। और आज केवल अभी तक कांग्रेस के शासन में तिलक भाई जो है ईवीएम का शुरुआत हुआ था, कोई जो है सर, 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 लोकतंत्र खतरे में तो शायद उस वक्त भी था। आने के बाद में क्या लोकतंत्र उस वक्त खतरे में नहीं था जब इमरजेंसी लगाई गई थी? बहुत सारे चुनाव में आगे देवेंद्र सिंह जी, क्या लोकतंत्र उस वक्त खतरे में नहीं था जब इमरजेंसी लगाई गई थी? या लोकतंत्र उस वक्त खतरे में नहीं था भाई? आप भी जानते हो, आप हिंदुस्तान के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत शानदार आप जो एक एंकर हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो जो इमरजेंसी में जो लगाई गई थी, जो आपातकाल लगाई गई थी, उसकी बात ना किया जब जाना चाहे तो देश के हित के लिए था, समाज के हित के लिए था। सर, आप उठा के देखिए इतिहास, कांग्रेस ने इसे काला अक्षर कहा था। और यहाँ पर मैंने इमरजेंसी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आपने लोकतंत्र की बात की थी। और अंबेडकर साहब की अगर बात कर रहे हैं आप, तो चुनाव किसने हराया था उनको, यह भी आपको मालूम होगा। ठीक सर, देखिए जो इमरजेंसी की बात तिलक भाई होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि जो हालत वहां हिंदुस्तान का, कुछ देश के शरारतपूर्ण नेता लोग जो देश की एकता अखंडता के साथ, जो देश के विकास और समृद्धि और उसके देश के जो है उसके साथ जो खिलवाड़ कर रहे थे, उस समय कोई भी देश इमरजेंसी के बारे में सपा के बैठे हुए प्रदीप जी आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। वो निर्णय पार्टी वहीं से उपजी हुई है, वो बता देंगे आखिरकार इमरजेंसी का इतिहास अगर जानना चाहते हैं तो आपके सहयोगी जिनकी साइकिल पर सवार होने के लिए आप लोग तैयार हैं तो उसका इतिहास वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, उससे ज्यादा। ऋषि जी, शशिकांत जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन ऋषि जी ये जो कुछ हो रहा है वो क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाता?